ऑल राइट गाइस, तो ये एक आर्टिकल है बृंदा शुक्ला मैम जो कि डीसीपी हैं नोएडा में, वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी नोएडा, तो उसमें डीसीपी पोस्ट पे हैं। और इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है आसरा, ठीक है। तो कोविड के वजह से जब लोगों का अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो रहा था, डेथ हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, उनके फैमिली के, उनके मदर और उनके फादर यानी बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर डाइड ड्यू टू कोविड, और उसके बाद वो बच्चे अनाथ हो गए हैं। और वो बच्चे इतने छोटे हैं कि वो अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, और उनका उनके डेवलपमेंट का, चाहे एजुकेशनल एस्पेक्ट हो, चाहे उनका खाने पीने का हो, रहने का हो, सोशियो कल्चरल जो एस्पेक्ट है, ये सब चीज़ें जो है वो डेंजर में है, थ्रेट में है। तो इसको लेके मैम बृंदा शुक्ला ने बहुत 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 बेहतरीन एक इनिशिएटिव शुरू किया, आसरा, ठीक है। तो इन्हीं का एक आर्टिकल आया है, इसको देखते हैं कि क्या 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 इश्यूज होते हैं अडॉप्शन को लेके। अडॉप्शन दो तरह का अडॉप्शन इसमें डील किया गया है, एक फॉस्टर अडॉप्शन और एक लीगल अडॉप्शन, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या प्रोज और कॉन्स है, उसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इसको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कैसे देखना है। और बाकी तो ऐसे अवेयर सिटीजन के नाते, एक सेंसिबल सिटीजन के नाते ये इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो इसका शुरुआत एक कैरेक्टर के साथ करते हैं, रानी। रानी जिस जो कि एक चाय बेचने वाली औरत है, उसके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे कैसे हैं? उसके 6 बच्चे ऐसे हैं कि 3 उसके खुद के बच्चे हैं और 3 उसके दोस्त के बच्चे हैं जो कि कोविड के वजह से उसके दोस्त का देहांत हो गया था, ठीक है। तो उसके 3ों बच्चे इसके पास रह रहे थे। अब क्या हुआ कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, वो उनको सर्च करते करते आई और उनसे 3ों बच्चों को लेके चली गई। क्यों लेके चली गई? इसलिए कि रानी कैन नॉट सस्टेन, कैन नॉट गिव देम प्रॉपर प्रोटेक्शन, कैन नॉट गिव देम प्रॉपर चाइल्डहुड फैसिलिटीज, ये कहना था चाइल्ड वेलफेयर कमिटी का, ठीक है। कि आप खुद जब चाय बेचती हैं, आपका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, तो आप हर तरह से उस बच्चे को, 3ों बच्चों को हेल्प नहीं कर पाओगे, और आपके पास पहले से 3 बच्चे हैं। अब रानी बहुत परेशान हो गई, तो रानी ने क्या किया, रानी हर जगह जा रही है जहां भी वो जा सकती है, जिस एनजीओ का मदद ले सकती है और जिस अथॉरिटी का मदद ले सकती है, ताकि उसको 3ों बच्चे वापस मिल जाए, ठीक है। तो ये रानी का जो केस है, यह किस चीज को दिखाता है? ये दिखाता है कि कंफ्लिक्ट चल रहा है 2 चीजों में, फॉस्टर पेरेंट्स में और इंस्टीट्यूशनल केयर में। फॉस्टर पेरेंट्स अभी हम लोग बात करेंगे, और इंस्टीट्यूशनल केयर, ये 2 चीजों में। फॉस्टर पेरेंट्स क्या होता है? फॉस्टर पेरेंट्स जो रानी है वो फॉस्टर पेरेंट है। किस तरह से? कि जो बच्चे हैं, उसके दोस्त के बच्चे थे, उसको उसने गोद लिया, बट लीगली नहीं लिया है, गार्जियनशिप राइट है उसके पास, वो गार्जियन है उसकी। वो डिसाइड करे कि बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, उसका तबीयत खराब हुआ तो किस हॉस्पिटल में ले जाके उसका इलाज करवाना है, ये सब चीजें रानी देख रही है। क्यों? क्योंकि वो फॉस्टर पेरेंट है, बट उसने लीगली अडॉप्ट नहीं किया है, तो वो लीगल पेरेंट नहीं है, सी इज फॉस्टर पेरेंट। और बायोलॉजिकल पेरेंट कौन हुए? जिन्होंने इन बच्चों को जन्म दिया है, जिनका कि अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुका है, ठीक है। तो इस फॉस्टर पेरेंटिंग में क्या है कि चाइल्ड का जो भी एसेट है, ठीक है, मान लीजिए चाइल्ड के पास गोल्ड का चेन हो, गोल्ड की अंगूठी हो, उसके पास गाड़ी हो, बैटरी वाला कार हो, उसके मदर फादर हो सकता है कि उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के गए हो, कुछ जमीन हो, कोई घर हो, कोई मकान हो, कोई फ्लैट हो, ठीक है। तो ये जो असेट है उस पे फॉरन जो फॉस्टर पेरेंट्स हैं उनका कोई राइट नहीं होता है, ठीक है। फॉस्टर पेरेंट का चाइल्ड के असेट पे कोई राइट नहीं होता, आप गार्जियनशिप प्रोवाइड करा रहे हैं बट आपका कोई राइट नहीं होता है। ठीक उसी तरह से बच्चे का भी, जो फॉस्टर चाइल्ड है उसका अपने गार्जियंस पे, फॉस्टर पेरेंट पे इनहेरिटेंस राइट नहीं होता है। मतलब ये बच्चा कल को बड़ा हो के ये नहीं बोल सकता कि आप अपने प्रॉपर्टी में मुझे शेयर दो, हिस्सा दो, ठीक है। लेकिन सिस्टम ऑफ अडॉप्शन में क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल केयर में क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल केयर में आप लीगली उनको अडॉप्ट करते हैं, तो जब लीगल मेंबर हो गया आप, लीगल आपका अडॉप्शन है पूरा, तो जो प्रॉपर्टी राइट है उसको भी शेयर करना होगा। मतलब आपके पास जो प्रॉपर्टी है तो उस बच्चे को भी देना होगा जिसको आपने अडॉप्ट किया है, ठीक है। ये 2 चीजें हैं, फॉस्टर पेरेंट और लीगल पेरेंट में, अडॉप्शन पेरेंट वाले में, ठीक है। अब इशू क्या है? इशू ये है कि पहले यहां पे देख लेते, या यहीं से देखते हैं कि वर्ल्ड ओवर जो है चाइल्ड्स राइट टू बी रेज्ड इन अ फैमिली, ठीक है। अब होता क्या है कि बच्चे को अगर चाइल्ड वेलफेयर कमिटी वाले लेके गए, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी वाले लेके गए तो वो कहीं शेल्टर होम में रखेंगे, ठीक
ठीक है, जैसे हमारे सोसाइटी में कोई क्राइम करता है तो उसको जेल में ले जाके रखते हैं, तो उसी तरह से कोई बच्चा अगर अनाथ हो गया तो उसके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था है, शेल्टर होम है, ठीक है। लेकिन हमारे कंट्री में जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमें पता है कि रिसोर्सेज का बहुत इशू है, बहुत क्रंच है, ठीक है। इक्वालिटी नहीं है बहुत अच्छे से, एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही पहले से अपने वर्कलोड में इतना दबा हुआ है कि हर चीज को, और खासकर ऐसे चीज को जो कि हमारे सोसाइटी के प्रायोरिटी में नहीं होता है, जिसको हम लोग रोज डिस्कस नहीं करते हैं, जो रोज न्यूज में नहीं आता है, तो ऐसे कंडीशन में आप सोच के देखिए कि शेल्टर होम्स का क्या कंडीशन होता होगा। ओवरक्राउडेड है, हर तरह के बच्चे वहां पे आ रहे हैं, हर फैमिली बैकग्राउंड के आ रहे हैं, तो बहुत सारे, बहुत तरह के, बहुत बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ रह रहे हैं, ठीक से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें बहुत अच्छे से ऑडिट नहीं हो पाती है, बहुत अच्छे से इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जा सकता है, नहीं रखा जा पाता है, ठीक है। तो इसलिए वर्ल्ड ओवर ये डिस्कशन चल रहा है और सब जगह यही बातें होती है कि भाई आप फैमिली कंडीशन में बच्चों को पलने बढ़ने दीजिए, अपने सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में उसको पलने बढ़ने दीजिए। जो बच्चा मान लीजिए कि हिंदी बोलता है, या जो बच्चा अपने मदर टंग में बात करता है, मान लीजिए वो मगही बोलता है, भोजपुरी बोलता है, मैथिली बोलता है, संथाली बोलता है, या वो पश्तो बोलता है, मराठी बोलता है, अब अगर ऐसे शेल्टर होम में जाके उसको रख रहे हैं जहां पे कि एकदम अलग लैंग्वेज उसको मिल रहा है, वहां पर अगर हिंदी बोलने वाले हैं, थोड़ा इंग्लिश बोलने वाला है, कोई कोंकणी बोल रहा है, तो क्या होगा कि उसको एक अवेयरनेस तो मिल रहा है कि अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन ग्रोथ के टाइम पे जो उसका चाइल्डहुड का फेज है, उस समय उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज का कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो, खाने का हो, कपड़ा पहनने का हो, बात करने का हो, तो ये इन्वायरमेंट ठीक से नहीं मिल पाता है शेल्टर होम में। शेल्टर होम में क्या है, जो भी आया सबको एक जगह रख दिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया हम लोगों को इस डिस्कशन के बारे में। और इससे क्या होता है कि उनका सोशल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, कि सोशल डेवलपमेंट जो होता है, सोशल एटीट्यूड आपका जो डेवलप होता है, सोशल आउटलुक जो होता है वर्ल्ड को लेके, ठीक है, और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, थोड़ा एटीट्यूड आपका जिस तरह से डेवलप होना चाहिए, हो सकता है कि नेगेटिव साइड में जाए, हो सकता है आप डरे सहमे रहें, हो सकता है आपके अंदर एग्रेशन आ जाए, हो सकता है आपके अंदर जो कंपैशन जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे न रहे, क्योंकि बचपन से उस तरह से बहुत ही एडवर्स कंडीशन में आप रहना शुरू कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो हमारे यहाँ है, जो एडॉप्शन को रेगुलेट करती है, एडॉप्शन को ऑडिट भी करती है, एडॉप्शन को पूरा प्रोसीजर उसका तैयार करती है, ठीक है। तो कारा का एक सेंट्रल अथॉरिटी है और इसका हर स्टेट में लगभग अपना ऑफिस होता है, एजेंसी होता है, वहां से ये काम करती है। तो इसके हिसाब से साल में लगभग 3 से 4 हजार एडॉप्शन ही हो पाता है, और बहुत सारा फेल्ड एडॉप्शन होता है, मतलब बच्चों को गोद ले लिया गया लेकिन फेल्ड हो गया, मतलब बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाया फैमिली में, या फैमिली बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई, ठीक है। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, वही कि सोशियो कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एकदम डिफरेंट है, और डिफरेंट कंडीशन में अगर आप बच्चे को डाल दीजिएगा तो बोथ द फैमिली एंड द चाइल्ड, द चिल्ड्रन, दे विल नॉट बी वेरी मच कंफर्टेबल, ठीक है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उनका एटीट्यूड नहीं मैच कर पाता है, उनका आउटलुक नहीं मैच कर पाता है, तो ये इशू है, ठीक है। लेकिन अगर फॉस्टर केयर का बात करें तो ये फ्लेक्सिबल इकोसिस्टम है, एक तो कि कोई बर्डन नहीं है कि आपको बच्चे का जो असेट है वो आपको अपने कब्जे में लेना है, आपको बच्चे को प्रॉपर्टी राइट देनी है, ये सब चीजें नहीं है, और इसका रेगुलर फॉलोअप भी आसान है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि एक सोशल प्रेशर भी होता है कि अगर आपने किसी बच्चे को फॉस्टर, आप उसके गार्जियन बन रहे हैं, तो आसपास वाले हमेशा आप पे चेक रखेंगे कि बताइए आप इसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अथॉरिटी भी जो है अच्छे से इस चीज को फॉलोअप कर सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और इसका एक फायदा क्या है कि सोसाइटी में सेंसिबिलिटी आएगी, सेंसिटिवनेस बढ़ेगा सोसाइटी का, कि नहीं यार एज ए सोसाइटी वी ऑल आर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हम लोग सब इसके स्टेक होल्डर हैं, तो अगर किसी को कोई समस्या हो रही तो हम सबको, मतलब कि उस समस्या से एक तरह से हम सब उस समस्या के पार्ट है, और हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समस्या से जूझना और उसको ठीक करना। तो कोई बच्चा अनाथ हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है, दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज एज अ सिटीजन वी आर having many of the facilities, many of the rights, so we should also fulfill our duties, ठीक है। और वैसे भी constitution में fundamental right है, तो fundamental duty भी है, ठीक है। और ये तो basic human compassion है कि अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में ये बोला गया कि बहुत सारे कंट्रीज में फॉस्टर पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, कि अगर रानी, जहां से कहानी शुरू हुई थी कि रानी को पैसे नहीं, वो चाय बेचती है और उसके पास 6 बच्चे हो गए, पहले 3 बच्चे थे,
तो आप एक काम कीजिए, आप 3 बच्चों के लिए उनको फाइनेंशियली एड कीजिए, उनको एक बच्चे को पढ़ाने लिखाने पालने में जो खर्च होता है तो पर हेड उतना पैसा आप उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दे दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कीजिए, ना कि अब उनसे छीन कर सीधे शेल्टर होम में डाल दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमने बात किया था कि सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट सिमिलर होता है, अब ये किसके तहत आता है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो इस चीज को गवर्न करता है। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, बट चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट पर छोड़ दिया गया कि आप अपना अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन वगैरह इस एक्ट के तहत बना लीजिए। लेकिन स्पॉडिक एंड अनइवन इंप्लीमेंटेशन है, ठीक से रूल नहीं बना हुआ है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ये इशूज है, ठीक है। तो अभी फाइनली यही कहा जा रहा है, बृंदा शुक्ला जी का यही कहना है इस आर्टिकल में कि दिस इज द मोमेंट वी शुड सीज दिस मोमेंट। कोविड कोविड ऑर्फन्स हैं और इतना क्राइसिस है हमारे सोसाइटी में हेल्थ को लेके, ठीक है, और अपने एग्जिस्टेंस को लेके, एग्जिस्टेंस पे सवाल हो गया कि एक छोटा सा वायरस आके हमारे एग्जिस्टेंस को एकदम से खतरे में डाल दिया है। तो इस मोमेंट को सीज कीजिए, ठीक है, क्लियर कंसाइज रूल बनाइए, ट्रांसपेरेंसी रखिए उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन को बजट प्रोवाइड कराइए कि आप एडमिनिस्टर कर पाए, अलग से कोई डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं इस चीज के लिए, और जितना भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के लेवल पे लिया जा सकता है वो लेना चाहिए। और एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी वी शुड ऑल्सो बी वेरी मच सेंसिटिव टूवर्ड दीज इशूज। सिर्फ यही नहीं कि हम गोद लें, बल्कि इस तरह की चीजों को डिस्कस करें, इसको अपने डे टू डे डिस्कोर्स में भी लेके आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए हमारे देश में रजिस्टर्ड, ठीक है, मैं कह रहा हूँ रजिस्टर्ड 30 मिलियन ऑर्फन्स हैं, 3 करोड़ बच्चे ऑर्फन हैं, 3 करोड़ बच्चे अनाथ हैं, इतना तो पॉपुलेशन बहुत सारे देश का नहीं है। और अभी एनसीपीसीआर का आज ही रिपोर्ट जमा हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि 30,000 कोविड ऑर्फन अभी तक उन्होंने रजिस्टर किया है, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों मिला के। आप सोच के देखिए इतने ज्यादा ऑर्फन बच्चे हैं, तो क्या एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दैट वी शुड बी वेरी मच सेंसिबल किस किस ग्राउंड पे? तो आप गोद तो ले ही रहे हैं, साथ ही में आप इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज को फेसबुक पे, सोशल मीडिया में और हर जगह जहां कहीं भी आप डिस्कस कर सकते हैं इसको कर रहे हैं ताकि इस चीज के तरफ लोगों का ध्यान जाए, है ना। तो यही था आज का आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो ये देखिए एथिक्स पेपर के लिए भी जरूरी है, केस स्टडी में तो इस बार आना ही आना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चीज कोविड ऑर्फन को लेके, ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट और इतना सेंसिटिव ये चीज है। इसके अलावा गवर्नेंस पेपर 2 में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे सोसाइटी के सिटीजन, हमारे देश में लगभग 26 करोड़ बच्चे हैं उसमें 3 करोड़ अनाथ हैं, तो ये गवर्नेंस का भी पार्ट है, ठीक है, और सोसाइटी का तो पार्ट है ही पेपर 1 में। तो ये एक आर्टिकल है जो कि अक्रॉस द जीएस पेपर आपको काम आएगा, सो प्लीज इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें और इसको आप जिस भी तरह से नोट करना चाहें कर सकते हैं। तो यही था, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, और कुछ कहना हो तो आप अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज एंड गर्ल्स।